और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने रूस और यूक्रेन संकट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा और यूक्रेन में फंसे हरियाणा के लोगों की मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में करीब 2000 हरियाणवी फंसे हैं, सबके वतन वापसी के लिए हरियाणा सरकार उचित प्रबंध करे। तो ये पत्र जो कि लिखा गया है मुख्यमंत्री को, और इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री जी, अंतर्राष्ट्रीय तनाव सदैव मानवता के समक्ष चुनौतियां खड़ी करते रहे हैं। यूक्रेन में इस समय लगभग 18,000 भारतीय फंसे हैं, जिनमें से लगभग 2,000 अकेले हरियाणा से हैं, और यूक्रेन में फंसे इन 2,000 हरियाणवियों को जल्द से जल्द किस तरह से वापस लाया जाए। हरियाणवियों में अधिकतर जो युवा हैं, छात्र हैं, मेडिकल इत्यादि की पढ़ाई करने के लिए गए हैं। इन छात्रों की पढ़ाई तो पहले से ही कोविड संकट के कारण बाधित रही थी, और ऊपर से वर्तमान जो हालात हैं उन्होंने स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ कर रख दिया है। अब ऐसे में वहां यानी कि यूक्रेन में फंसे भारतीय इस समय रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध की आशंका के चलते तनाव में जी रहे हैं, और यहां उनके परिजन अपने बच्चों सगे संबंधियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। और रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को 5 सलाह दी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि वो सलाहें क्या क्या हैं। ये सलाहें हैं मुख्यमंत्री जी, यूक्रेन में फंसे हरियाणा के 2000 नागरिकों की अभिभावक सरकार है, और किसी भी तरह के कठिन समय में हरियाणा के लोगों के साथ खड़ा होना आपका नैतिक और संवैधानिक दायित्व भी बनता है। और आपसे मेरी विनती है, या आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप जल्द से जल्द एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी करें, जिस पर यूक्रेन में फंसे हरियाणवी नागरिकों के परिजन उनकी सहायता के लिए पंजीकरण करवा सकें। दूसरा सजेशन, सभी जिला उपायुक्तों को तुरंत उनके जिले से यूक्रेन गए लोगों की सूची तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं, उनसे सरकार संपर्क साधे। और तीसरा सजेशन, फ्लाइट्स की उचित व्यवस्था करवाई जाए, सभी हरियाणवी नागरिकों की सरकारी खर्च पर तुरंत स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जाए। जो लोग अपने खर्च पर 5 से 6 गुना अधिक रेट पर टिकट लेकर लौट रहे हैं, उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाए। और इसके बाद हरियाणा सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारी तुरंत यूक्रेन रवाना किए जाएं, जो भारतीय दूतावास के साथ कोऑर्डिनेट करें, हमारे प्रदेश के नागरिकों की सहायता करें। और ये मुख्यमंत्री जी के लिए लेटर लिखा गया है, जिसमें लिखा है, मुख्यमंत्री जी, ये मुद्दा हरियाणा के 2000 परिवारों की जिंदगियों से जुड़ा है, इन लोगों को सुरक्षित स्वदेश वापसी आपका संवैधानिक दायित्व है, और मेरा विश्वास है कि मेरी बात को गंभीरता से संज्ञान में लेकर इस बारे में बगैर देरी किए उचित कार्रवाई की जाए।